थक चुके हैं सबको बता बता के कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका प्रयोग कीजिए। आजकल तो ज्यादातर सारे फिल्म मेकर्स अपनी हिंदी फिल्मों को भी इंग्लिश नाम दे रहे हैं, जैसे नो प्रॉब्लम, किडनैप, नॉट आउट, काइट्स। अरे काइट्स, ये वही है ना जिसमें ऋतिक और बाबरा रील से निकल के सेम वे में रियल लाइफ में भी आ गए थे। अरे मतलब जो प्यार वाला ट्रायंगल फिल्म में ऋतिक और बाबरा के बीच में था, वो तो जाने कितने दिन तक रियल लाइफ में भी चला था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हमने उठती उठती खबर सुनी थी। इसके बावजूद ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इस फिल्म में हिंदी तो शायद हाँ करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, बाकी समय या तो स्पेनिश थी या फिर अंग्रेजी। अब आप ही बताइए, ऐसी फिल्म हमारे देश में कभी चल सकती है भला? अगर रोशन साहब इस फिल्म से ऑस्कर जीतने का प्लान कर रहे थे तो अब शायद उन्हें अपनी नींद से जाग जाना चाहिए और सपने को छोड़कर हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये क्या, हमारे जगाने से पहले तो शायद इन्हें किसी और ने ही जगा दिया, वो भी किसने? बिहार के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने। इन जनाब का कहना था कि बिहार में अंग्रेजी नहीं समझ में आती है बबुआ, तुम कहाँ फिल्म में स्पेनिश परोस दिए हो, हट बड़बा। इन्होंने तो शायद गोरख गोरख जाने का भी फैसला कर लिया था। लगता है फिर शायद पापा और बेटा दोनों ही लेट लिए होंगे इनके चरणों में, क्योंकि फिल्म तो वैसे भी नहीं चली। ऐसा हो जाता तो जाने कितनी बदनामी हो जाती इनकी। तो ऐसी कंट्रोवर्शियल हिंदी हीन फिल्म के लिए हम बुलाते हैं अपने पोपट को और पेश करते हैं पोपट भाषा की निराशा अवार्ड टू काइट्स एट नंबर 5।